खबर शामिल करते हैं गुजरात से। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद की ज़ेर सदारत ज़िलाई कोर अमन कमेटी का इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में DPO उमर सलामत, ADCG अफसर हयात, DHO डॉक्टर अयाज नासर ने शिरकत की। इजलास में उलमा इकराम सैद शाह गुजराती, ज़ियाउल्लाह शाह, कारी अल्ताफ़ रहमान, सफदर वड़ाइच, मीर जवाद जाफरी, अल्ताफ़ कासमी, सैयद नूरुल हसन, हादम अली खादम भी शरीक हुए। इजलास में कहा गया कि उलमा इकराम कोरोना वबा की 5वीं लहर के दौरान मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद में अपना करदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की कि नमाजी मास्क पहनें, समाजी फासला बरकरार रखें, घर से वजू करके आएँ, बीमार अफराद, बुजुर्ग, बच्चे घर में नमाज अदा करें। उलमा इकराम खुतबात में शहरियों को कोरोना बारे आगाही, वैक्सीनेशन की तरगीब दें, महकमा सेहत मसाजिद के बाहर वैक्सीनेशन कैंप्स का इनकाद करें। इस मौके पर DPO उमर सलामत ने कहा, वबा बारे आगाही में उलमा इकराम का करदार नहायत अहम है। SOPs पर अमल दरामद से शहरियों को वबा से बचाया जा सकता है। उलमा इकराम और मेंबरान ने अज़म का इजहार किया कि वबा की रोकथाम के लिए हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया के साथ भरपूर तआवुन किया जाएगा।